हाँ तो भैया, मैं हूँ आपका अपना शाहरुख यूसुफ जई, और आपके भाई की बड़ी बहन ने खास अंदाज में कुछ खास आम भेजे हैं। चाय तो पी ली है, अब जल्दी से आम खाते हैं भाई, फिर आगे कोई बातचीत शुरू करते हैं। चलती फिरती मैयते हैं भाई, पबजी बैन कर दिया क्योंकि बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चे खुदकुशी कर लेंगे, बच्चे इस थर्ड क्लास निज़ाम से बिगड़ेंगे नहीं ना खराब होंगे। तालीम का निज़ाम बचा हुआ है बिल्कुल, पीले स्कूल जाओ तो ज़रा चक्कर वक्कर तो लगाओ इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट स्कूल, पता वता घंटे का भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये पटिशन दायर की होगी ना हाई कोर्ट के अंदर कि पबजी से बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके दौर के अंदर वो गुल्ली डंडा और चीची पापा होता था। और ये बात कर रहे हैं पबजी गेम की, ये वो लोग हैं वो जो बोलते हैं अबे आजकल के बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, हमारे दौर में तो लड़की को लव लेटर लिख के भेजते थे। अबे अगर इस दौर में लव लेटर लिख कर भेजा ना तो लड़का मामू बन जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के बच्चों का, अब इनको क्या पता गुल्ली डंडा और चीची पापा खेलने वालों को पबजी क्या बला है। भाई बोलते हैं पबजी वेस्ट ऑफ टाइम है, हाँ बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है। अबे भाई एक बात बताओ, ये खाली बच्चे नहीं खेलते, बड़े भी खेलते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो चैनल पे आता है ये गेम शो ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, ये मेरा टाइम ज़ाया करता है, बंद कर दो बोल, चैनल को बैन कर दो भाई, बैन कर दो पैमरा, बैन कर दो। मैं बोल रहा हूँ ये न्यूज़ चैनल ना मेरा दिल ख़राब करते हैं, मैं खुदकुशी कर लूँगा भाई न्यूज़ चैनल की वजह से। जो इतना सारा न्यूज़ चैनल है, मैं जो ड्रामे आते हैं ना हम चैनल है यार वाई से, मैं खुदकुशी कर लूँगा इनको देख के। बैन कर दोगे? नहीं करोगे ना बैन? और हाँ, एक होता है मुलजिम एक होता है मुजरिम, मुलजिम को जेल में नहीं डाल देते, सही है उसे पता करते हैं। आपने पहले पबजी पे बैन लगा दी, उसके बाद हमसे पूछ रहे हो कि अब बताओ पबजी बैन करना चाहिए? अबे तो बैन करने से पहले पूछो ना भाई। चलो मैं फिर भी हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाए, पर मुझे आप एक बात बताओ कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं। मेरे घर के अंदर ना तीन बच्चे होंगे जो पबजी खेलते हैं, ठीक है मैंने मना किया उन्होंने छोड़ दिया, और अगर वो इसके बावजूद भी अगर खेलते तो आसान सा तरीका है तो चप्पल पड़ते ही आपने जैसे देखा पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो बच्चों का दिमाग क्या चीज़ है भाई, वो भी चेंज हो ही जाता है। मुझे तो पबजी बैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम तो पीरो प्लेयर हैं, प्रो नहीं है भाई, पीरो प्लेयर हैं फुल बोट स्टाइल वाले ठाठा। पर यार जो लोग हजारों डॉलर आपके मुल्क में लेके आ रहे थे पबजी के जरिए, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम के जरिए या किसी भी तरीके से, आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। खैर सब छोड़ो, हमारे और आपके बोलने से कभी पहले कुछ हुआ जो आज होगा इस मुल्क में। बात यह है तुम्हारे भाई को जाना अभी शाह फैसल, आधे घंटे का काम है मेरे को, बस वो काम निपटाते हैं फिर देखते हैं क्या करना कराना है। पर आज गर्मी बहुत शदीद हो रही है, पानी पीते हैं और निकलते हैं भाई। वैसे जाना तो अपने को कार में था लेकिन हम जाएंगे बाइक पे, क्योंकि अगर ट्रैफिक हुई तो फंस जाएंगे और लेट हो जाएंगे। हाँ तो भैया तुम्हारा भाई वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है बस अभी उस बंदे को फ़ोन मिला है, वो जैसे ही आएगा उससे मुलाकात करेंगे फिर घर चलने वाली करते हैं, ठीक है। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है मुझे, जल्द से जल्द काम निपटाऊंगा और घर जाऊंगा। वैसे आपको बताऊँ इस टाइम हम मौजूद हैं शमसी सोसाइटी में, शाह फैसल कॉलोनी वार्डलेस गेट के पास अभी मैं खड़ा हुआ। और हाँ, अपने काम का एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती है भाई, इतवार का दिन हो या पीर का दिन हो अपने सारे दिन काम में ही गुजरते हैं। बंदे को मैंने कॉल की थी, उससे बात तो हो गई, अब जैसे ही वो आता है तो उससे मिलूंगा और घर की तरफ निकलूंगा। आप कराची में सफ़र कर रहे हो, रास्ते में नाजमाबाद आया और आपने अरीबा फूड सेंटर से ट्विस्टर रोल नहीं खाया तो खाक नाजमाबाद के करीब से गुजरे।
हाँ तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है और ट्विस्टर और दोनों रोल खा चुका है। रोल खाते हुए मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मेरे पेट में दर्द हो सकता था क्योंकि रोल इतने मजे का होता है, आप लोग देखते हैं ना आपका दिल करने लगता है कि मैं भी खाऊं। इतवार का दिन ना मेरा सबसे ज्यादा बोर गुजरता है। बचपन में सोचता था इतवार कब आएगा, अब ये सोचता हूं इतवार जाएगा कब। और यार मैं पहला यूट्यूबर हूँ, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब स्पेस इन पाकिस्तान, ठीक है। आपको सबसे ऊपर ना यूट्यूब पर मेरी वीडियो ही मिलेगी। मैं बोलता था यार यूट्यूब स्पेस के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, पर मैं बेवकूफ था भाई। फिर जब थोड़ा मैं बड़ा हुआ और मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर YouTube वाले अपनी स्पेस इधर बनाएंगे वो तो फूंक दी जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई भी बंदा खड़ा हो गया हमारे मज़हब के बारे में या हमारी कौम के बारे में या हमारे मुल्क के बारे में कुछ भी बोलता है, हम तो अपनी बसें जला देते हैं, अपनी गाड़ियों के टायर निकाल के रोड पर रख के जला देते हैं। हम तो अभी छोड़ो यार, फिर सब गालियाँ दोगे। बात ये है कि भाई YouTube स्पेस अगर यहाँ बन भी जाती है, YouTube के ऊपर हज़ारों क्रिएटर हैं जिसमें से कोई एक बगैरत कोई गलत बात कर देगा, आप उसको तो नहीं कुछ बोलोगे, आप YouTube स्पेस फूंक दोगे पूरी फपाक। ऐसे ही होगा क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई भी कुछ बोलता है, आप लोग क्या करते हो, अमेरिका का झंडा लाते हो, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हो और माचिस लगा के जला देते हो और बोलते हो हमने अमेरिका का झंडा जला दिया। हालांकि वो झंडा तुम्हारा अपना है, तुमने अपने पैसों से कपड़ा लिया, अपने पैसों की माचिस थी और अपने पैसों को आपने आग लगा दी खुद अपने हाथ से, अमेरिका का क्या है। खैर ये सब जाने दो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और अच्छी सी एपिसोड के साथ, तब तक और जब तक के लिए खुदा हाफिज। जाओ ना भाई मैं भी जा रहा हूँ भाई। अरे एक मिनट, हसन सयाल भाई हैप्पी बर्थडे to you. Wow.